हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, मैं मनीष सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एम्स एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट को लेके। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अपडेट आपको मिलता रहे। तो आप सभी को बता दें कि एम्स एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए गए हैं। आप सभी अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज़ करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर सभी के दिल्ली एनसीआर में आने वाले हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में केवल और केवल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए सेंटर आपके दिल्ली एनसीआर में ही आने वाले हैं। इसके अलावा इम्पोर्टेंट बात आपको बता देते हैं कि एंट्रेंस जो एग्ज़ाम है आपका, वो आपका 10 AM से लेके 11:30 AM तक चलने वाला है। 90 मिनट का ये पेपर होगा, 90 क्वेश्चंस आने वाले हैं। एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो 1 मार्क्स क्रेडिट कर दिया जाएगा, अगर रॉन्ग करते हैं तो 1/3 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। इसके अलावा जब भी आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने जा रहे हैं तो ये ध्यान में रखिए कि एडमिट कार्ड के ऊपर आपका आईपी एड्रेस, डेट और टाइम, ये सब चीज़ें मेंशन होना कंपलसरी है। यदि ऐसा नहीं होता है तो आपका एडमिट जो कार्ड है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा एट एग्ज़ाम सेंटर। इसके अलावा आपको बता दें, जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके मन में भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। जब भी आप एडमिट कार्ड का प्रिंट निकालें तो 2 एडमिट कार्ड आप एक साथ भी निकलवा सकते हैं, या फिर एक अभी भी निकलवा लीजिए, एक बाद में भी आप निकलवा सकते हैं या सकती हैं। क्योंकि एक एडमिट कार्ड जो आप अभी निकलवाने वाले हैं वो आपको एग्ज़ाम सेंटर पर ही सबमिट करना होगा। जैसे ही एग्ज़ाम कम्प्लीट हो जाएगा, कम्प्लीट होने के बाद एडमिट कार्ड आपको वहीं पर दे के आना होता है। यदि आप ऐसा नहीं करते या करती हैं तो फिर आपकी जो रिज़ल्ट है उसको रोक दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। रफ़ वर्क के लिए आपको क्या करना है कि जो आपका एडमिट कार्ड है उसका जो बैक साइड है उसको आप यूज करेंगे एज ए रफ़ वर्क। अब देखिए, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हो गई। अब यहाँ पर आपको बता देते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हैं जो आपको थोड़े से फॉलो करने होंगे। वैसे कोई यहाँ पर स्पेसिफिक ड्रेस कोड मेंशन नहीं किया गया है, तो आप ऐसे कपड़े पहन के जा सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि एडमिट कार्ड जो आप अपना एडमिट कार्ड जब डाउनलोड कर रहे हैं उस टाइम उसके अंदर जो आईडी मेंशन है, कोशिश कीजिएगा कि आप वही आईडी लेके जा सकें। जैसे मान लीजिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते टाइम आईडी लगाई थी पैन कार्ड या आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, तो वही आईडी आप लेके जाएं। ओरिजिनल फॉर्म में आपको लेके जाना है, कोई भी उसका फोटोकॉपी या फिर ई आईडी वहाँ पर वैलिड नहीं होगा। फ़ोन में आप दिखाने से काम नहीं चलेगा, तो ये ध्यान में रखिए। अगर वो नहीं है तो दूसरी भी लेके जाएं, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाएं, हमारा ये मतलब है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने जो आईडी मेंशन है उसमें से कोई भी आप एक आईडी लेके जा सकती या जा सकते हैं। कई बार मन में ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि एक्चुअल में एग्ज़ाम सेंटर में क्या लेके जा सकते हैं, तो आपको देखिए एडमिट कार्ड लेके जाना है। एडमिट कार्ड में एक डिक्लेरेशन फॉर्म ए दिया गया है, उसको आपको फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद दूसरी जो आपको लेके जाना है वो आपकी एक ओरिजिनल और एक वैलिड आईडी लेके जाना है, बस। इसके अलावा आपको कुछ भी लेके नहीं जाना है, ना आपको अपना कोई फोटोग्राफ लेके जाना है, ना ही कोई आपको अपने लिए पेन लेके जाना है, वो भी आपको एग्ज़ाम सेंटर पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पर भी लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप डायरेक्ट उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए, जितना जल्दी हो कर लीजिएगा, क्योंकि 15th को आपका एग्ज़ाम है। ऑल ओवर इंडिया से आपको दिल्ली NCR में आना है, तो 1 डे या 2 डे बिफोर ही आपको वहाँ से अपने नेटिव प्लेस से चलना होगा। इसके अलावा एग्जामिनेशन सेंटर पर आपको रिपोर्ट कर देना है, 1 आवर बिफोर आपको रिपोर्ट करना है, ताकि आपकी आईडी है वो चेक की जा सके और जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको भी टाइम पर ही कंप्लीट किया जा सके। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर एम्स एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए। यहाँ पर ध्यान आपको दो ही बातें और रखनी है, क्योंकि जैसा आप जानते भी हैं एम्स एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो लास्ट ईयर कैंडिडेट होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका जो बेसिक जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो रिसर्च मैनेजमेंट और OBG से आएंगे। इसके अलावा फाउंडेशन और MSN से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन
दो तीन एग्जामिनेशन में ये देखा गया है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से भी 10 to 15 क्वेश्चन कई बार पुटअप हो जाते हैं, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को भी आप थोड़ा सा देख लें, जल्दी से प्रैक्टिस करें, जितना हो सके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, थ्योरी के चक्कर में नहीं उलझना है, जितना हो गया है उतना ही काफ़ी है, इतना कोई ज़्यादा हार्ड पेपर आता भी नहीं है एम एस सी नर्सिंग का। लगभग इस बार जो कैंडिडेट हैं शायद 2600 कुछ कैंडिडेट हैं, तो ज़्यादा कंपटीशन आपके लिए है नहीं, टोटल कैंडिडेट केवल इतने ही हैं। हमने आरटीआई लगाई थी, उसका रिप्लाई में यही आया था। इसके अलावा आपको ये बता देते हैं हम कि जो भी कैंडिडेट ऑनलाइन जो यहाँ पर पेपर करने वाले हैं, अगर उन्होंने अपना क्वेश्चन जैसे मान लीजिए रिव्यू के लिए रख दिया है, तो उसके लिए आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। 90 मिनट हैं, 90 क्वेश्चन हैं, इसके अलावा एक मार्क्स आपको क्रेडिट हो जाएगा राइट के लिए, 1/3 डिडक्ट कर लिया जाएगा नेगेटिव के लिए। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, तो नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। धन्यवाद साथियों।